तो गाइस जो वीडियो आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हो, अगर गाइस आप कुछ इस तरह का वीडियो बना के दोस्तों टिकटॉक में अपलोड करते हो तो फ्रेंड्स आपको लाइक्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि गाइस अगर आप इसमें अगर चैलेंज किसी को देते हो कि आपको फेस को कोई रोक के दिखाएगा तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में फेस को रोकने के लिए दोस्तों वो दो बार जरूर आपकी स्क्रीन में टच करेगा कुछ इस तरह से। जैसे गाइस आप यहाँ पे दो बार स्क्रीन में वो टच करता है तो फ्रेंड्स आपको एक हार्ट मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरह का वीडियो बना के दोस्तों आप लाइक्स बढ़ा सकते हैं। तो गाइस आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे सर्कल ऑनर में। गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता ही है कि मैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे इजी स्टेप को यूज करता हूं। गाइस तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप मुझे बखते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे या पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं फ्रेंड्स वहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको जो लेफ्ट साइड में ये नियुक्ति फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस बार नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस बारे मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से दोस्तों आपको जिस फोटो का आपको उस तरह का वीडियो बनाना है आपको फ्रेंड्स उसको अभी सर्च करना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से फ्रेंड्स 7 सेकंड का करना है। जैसा दोस्तों मैंने 7 सेकंड का यहाँ कर दिया है, आप भी दोस्तों कुछ अपने फोटो का ड्यूरेशन को 7 सेकंड कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको आके फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप उसी फाइल में कुछ इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा। जैसे गाइस आप उसमें क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों देख सकते हैं, इस वाले बॉक्स में फ्रेंड्स आपको क्लिक कर लेना होगा। और यहाँ से गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले फर्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करते हैं फ्रेंड्स आपका जो एक फोटो है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों देख सकते हैं, वो फोटो फ्रेंड्स आपके गैलरी में जाके सेव हो गया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको उसका PNG निकालना है। PNG निकालने के लिए दोस्तों अभी आप क्या कीजिएगा, आप फ्रेंड्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर दोस्तों मैंने एक वेबसाइट का लिंक देकर रखा है। आपको फ्रेंड्स सिंपल सा उस वाले वेबसाइट को ओपन करना है। गाइस चलिए मैं अपना वेबसाइट को ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ का प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वेबसाइट है उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अपलोड इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको गाइस सिंपल साइज में अपलोड इमेज में आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से गाइस आपको जो फोटो आप कैप्चर किए हैं उसको फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करके यहाँ पर आपको उसका PNG निकालना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। और दोस्तों उसका जो PNG है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फ्रेंड्स अभी आप नीचे करके देखिएगा तो उसका PNG मेरा कुछ यहाँ से निकल गया है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप फिर से फ्रेंड्स आपको अपना काइन मास्टर को अभी ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपना स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर है उसको मैंने ओपन कर लिया है और वही वाला जो वीडियो मैंने दोस्तों यहाँ पर छोड़ के गया था उसी वीडियो में फिर से दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको मीडिया का, आपको इसी मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो आपने PNG अभी निकाला है उसको फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा PNG है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको बड़ा करना है कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से बड़ा करके दोस्तों इसके बराबर कर दीजिएगा। बराबर कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसका फेस को रखना है। फेस को रखने के लिए दोस्तों आपको सिंपल से जो यहाँ पर क्रॉपिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है देख सकते हैं, इस वाले क्रॉपिंग में फ्रेंड्स आप क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से दोस्तों आप छोटा कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर फेस का रहना चाहिए कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ओके कर लीजिएगा। ओके कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से पकड़ के दोस्तों इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, फिर से उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करके गाइस इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा कुछ इस तरह से डुप्लीकेट।
और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका फोटो है पीएनजी का उसको फ्रेंड्स कुछ इस तरह क्लिक करके गाइस यहाँ पर आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा है आप देख सकते हैं, और इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं कलर एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस सिंपल सा यहाँ पर एक कलर एडजस्टमेंट में क्लिक करके आपको फ्रेंड्स इसका जो ब्राइटनेस है उसको कुछ इस तरह से कम कर देना है। जैसे गाइस आप कम कीजिएगा आपका जो फोटो है दोस्तों कुछ इस तरह से वहाँ पर फेस के वहाँ पर डार्क हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपल सा यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद गाइस आपका नीचे का जो फाइल है उसको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों आपको अभी क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इसको यहाँ पर नीचे लाना है, कुछ इस तरह से कुछ सीधा सीधा नीचे लाना है। लाने के बाद जो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर की दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले की में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको स्लाइड करके लास्ट तक आना है, कुछ इस तरह से। लास्ट तक आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, इसी वाले प्लस में आप क्लिक करके गाइस इसको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप सीधा सीधा ऊपर कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अभी आपको फ्रेंड उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर जो थ्री डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ पर बिंग फ्रंट का बुक करना है, कुछ इस तरह से। करने के बाद गाइस अभी आप क्या कीजिएगा, आपका जो नीचे का फाइल है दोस्तों कुछ इस तरह से उसको फ्रेंड्स अपना वीडियो को पहले जूम कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से आपको छोटा करना है, कुछ इस तरह से छोटा कर लेने के बाद गाइस आपको अभी आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स उसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हुए जाना है। जिस तरह दोस्तों मैं इसका डुप्लीकेट एक लेयर बना रहा हूँ और कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ला रहा हूँ, आप भी दोस्तों कुछ इसी तरह से इसका डुप्लीकेट लेयर बना के दोस्तों यहाँ पर लाइएगा अपना फोटो का, कुछ इस तरह से इसका डुप्लीकेट लेयर इस तरह से बनाते हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको भर देना है, कुछ इस तरह से। मैं काम दोस्तों एक फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसका मैंने डुप्लीकेट लेयर बना के दोस्तों यहाँ पर भर दिया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपना वीडियो को दोस्तों कुछ इस तरह से प्ले करके देखना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल सा फ्रेंड्स आपको जो लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस आपको पता ही आपको क्या करना है। तो गाइस बिना के तरीके चलिए वीडियो पर एंड लगाते हैं।